इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। कल तक कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी। आज नेहरू गांधी परिवार भ्रष्टाचार के सवाल पर सड़कों पर उतरा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने भ्रष्टाचार को लेकर धरना दिया, सरकार का विरोध किया। तो आज इंडिया चाहता है में आपको मैं दिखाऊंगा कि ईडी से लड़ाई में क्या महंगाई कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र बन गई है। आप यह भी देखेंगे कि पिछले 8 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया लेकिन वो जीत नहीं पाए, आखिर क्यों। वहीं मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अर्पिता ने क्यों अपने सारे एलआईसी पॉलिसी में वारिस के रूप में पार्थ चटर्जी का नाम लिख रखा है। राजनीति का खेल ऐसा ही होता है, इसमें दिखता कुछ है होता कुछ और है। आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जो हल्ला बोल किया उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ महंगाई बेरोजगारी का ही मामला है। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या ईडी के चक्कर में पड़कर कांग्रेस को महंगाई याद आ रही है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP News पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में आपको दिखाऊंगा। तो यह एक बहुत ही अहम सवाल, और आज कांग्रेस महंगाई और जीएसटी के खिलाफ पैदल मार्च कर रही थी। सवाल यह कि यह जो मार्च है इसके पीछे मकसद क्या, क्या वाकई महंगाई की को लेकर गंभीर है कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी के छापे की टीस बार बार दिखी। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस का महंगाई वाला प्रोटेस्ट सिर्फ बहाना है, असली मुद्दा ईडी से नेहरू गांधी परिवार को बचाना है। इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुनवाई करने वाला कोई नहीं। महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। कितनी पुलिस लगा ले, लेकिन हम लोग जो मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, उस पर अपनी बात रख के मानेंगे। राष्ट्रपति भवन को घेरने निकले राहुल गांधी। राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास के घेराव के मिशन पर प्रियंका गांधी। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। संसद में प्रदर्शन करती सोनिया गांधी, सड़क पर पूरा गांधी परिवार। मोदी सरकार पर महंगाई बेरोजगारी वाला वार, साथ में कांग्रेस के झंडा बरदार। ये जनता की लड़ाई है या ईडी डरा रही है सरकार। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को महंगाई और जनता की याद इसलिए आ रही है क्योंकि ईडी के एक्शन से मुसीबत में है गांधी परिवार। विपक्ष का सड़क पर आना, जनता के मुद्दे उठाना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन की टाइमिंग सवालों में है। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन तेज है। पहले राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ हुई, फिर सोनिया गांधी को सवालों का सामना करना पड़ा। यंग इंडियन के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। 3 शहरों में नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापा पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे तक ईडी ने सवाल पूछे। अब जरा कांग्रेस नेताओं के बयानों को भी सुनिए। प्रदर्शन महंगाई को लेकर हो रहा है, लेकिन दर्द ईडी वाली चोट का उभर कर आ रहा है। पहले राहुल को सुनिए। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है। अशोक गहलोत को सुनिए।
राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर रात को 2 बजे 2:30 बजे। आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालती है पुलिस पर, पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही है, जहाँ जिनको सूट करे वो साथ दे। ईडी पर प्रमोद तिवारी का दर्द भी बाहर आ रहा है। सोनिया गांधी जी अस्वस्थता के बावजूद 75 साल की आयु में गई, 3 दिन आपने उनको ग्रिल किया, 5 दिन राहुल गांधी को, खरगे साहब गए। तो ये इरादतन है, इसके पीछे बदनीयती है कि सदन की बैठक न चल सके। बोल कांग्रेसी, अल्लाह बोल। बोल कांग्रेसी, अल्लाह बोल। बोल भारतवासी, अल्लाह बोल। तो क्या महंगाई वाला ब्रह्मास्त्र चलाकर कांग्रेस की कोशिश ईडी की जांच को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की है? प्रियंका सड़क पर सिलेंडर लेकर कब उतरी, आपको याद आया? कांग्रेस के सारे सांसद इस तरह पुलिस से लड़ते झगड़ते कब दिखे आपको? राहुल गांधी का ये अंदाज पहले कब दिखा आपको? कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ऐसी तस्वीरें तब सामने आई थी जब राहुल और सोनिया से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी की तेज होती जांच और गांधी परिवार पर कसते उसके शिकंजे को देखकर क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है? क्या इसीलिए उसे इतने दिनों बाद महंगाई की याद आ गई? धारा 144 तोड़कर राहुल प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। न राहुल राष्ट्रपति भवन पहुंचे और न प्रियंका पीएम आवास, दोनों पहुंच गए थाने और जुबा पर सरकार के लिए जुल्म वाले ताने। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नहीं हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। हाँ वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ड्रामा बता रही है। जो राहुल गांधी आज के सड़क पे काले कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, जब महंगाई पे 7 घंटे चर्चा हो रही थी तो उस पर महंगाई को उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, निर्मला सीतारमन जब जवाब दे रही थी तो उस जवाब को भी नहीं सुना। बेटे को जो 1 लाख रुपए की कंपनी, मतलब 1 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की कंपनी दे रही थी, वो उसको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बेटे के लिए ड्रामा, उसको महंगाई से कोई। महंगाई बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है, इसे लेकर कांग्रेस ने कई दिनों तक संसद नहीं चलने दी, अब सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि महंगाई पर कांग्रेस का ये आक्रामक रूप जनता के दर्द के चलते है या फिर गांधी परिवार के दर्द के? दिल्ली से रविकांत, अजातिका सिंह, बिलाल अहमद के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। बोल भारतवासी, अल्लाह बोल। बोल भारतवासी, अल्लाह बोल। इंकलाब जिंदाबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।